चेन्नई में बारिश थोड़ी सी थमी है, कल से बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हमारे ट्रैक्स पे से पानी अभी उतना उतरा नहीं है। जो हमारे चेन्नई एगमोर और चेन्नई सेंट्रल स्टेशंस हैं, वो वहाँ पर ट्रैक्स अभी भी डूबा हुआ है, उन स्टेशन तक घुसना और पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो हमारे दो अफेक्टेड सेक्शन है, चेन्नई विलुपुरम और चेन्नई एगमोर विलुपुरम और चेन्नई सेंट्रल गुडूर, उनके बीच में थोड़ा सा ट्रैक को हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने लायक बनाया है, लेकिन चूंकि चेन्नई एगमोर और चेन्नई सेंट्रल में एंट्री नहीं हो पा रही है ट्रैक के सबमर्ज होने की वजह से, तो इसलिए वो लाइन मिलने के बावजूद भी बहुत फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं ट्रेन ऑपरेशन को लेकर। जैसा कि ये बताया था पहले भी कि हमारी वरिष्ठ अधिकारी सब सिचुएशन पर लगातार वॉच रखे हुए हैं, जहाँ जहाँ कुछ डैमेजेस हमको नोटिस हुए हैं वहाँ रिपेयर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कल हमने करीब 8 स्पेशल्स चलाई थी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, मंगलोर, बेंगलोर, रामेश्वरम, इस तरह से चलाई थी, और करीब 10,000 फंसे हुए यात्रियों को हमने उन स्पेशल के माध्यम से निकाला था। आज और करीब 7-8 स्पेशल्स हमारी प्लान्ड हैं और उम्मीद करते हैं कुछ और पैसेंजर्स को हम आज वहाँ से निकालने में कामयाब होंगे। देखिए दोपहर को 12 बजे एक रिव्यू किया जाएगा, वरिष्ठ अधिकारी आज रिव्यू करेंगे और तब स्थिति देखते हैं कि क्या बनती है और कितना पानी सबमर्ज उतरता है चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एगमोर स्टेशनों पे, उस हिसाब से थोड़ी सी आवाजाही इंप्रूव होगी। अभी तक की स्थिति यह है कि अभी तक हम करीब 324 ट्रेनें जो हैं कुल मिला के उस पहले दिन से और अब तक कैंसिल कर चुके हैं। आज अकेले ही हमको 96 ट्रेन्स कैंसिल करना पड़ी हैं। तो जैसी स्थिति बेहतर होगी और ट्रेन ऑपरेशन सामान्य बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। सर, किन किन स्टेशनों पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस बारिश का, और पैसेंजर के लिए स्पेशल कुछ अलग से क्या कहना है? देखिए जैसे मैंने बताया कि ये चेन्नई एगमोर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की समस्या है, कुछ सबर्बन ट्रेन्स को भी हमने चलाने की कोशिश की है कुछ सेक्शंस में, जहाँ पर भी हमको थोड़ा सा भी सेफ ऑपरेशन की संभावनाएं मिली हैं। पैसेंजर्स के लिए हमने जो कुछ पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर, फूड वगैरह की व्यवस्था की है। कल लगभग उस फर्स्ट डे हमने 20,000 फूड पैकेट्स और ड्रिंकिंग वाटर पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कल करीब 10,000 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और उसमें हमको एनजीओ से भी मदद मिल रही है और ये फ्री हम डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने मेडिकल बूथ्स जो हैं हर जगह लगाए हैं, इस स्टेशनों पर मेडिकल बूथ्स हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं और कोई भी मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए वो तैयार हैं और दिया जा रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी की समस्या हो जाती है तो सिक्योरिटी के हेल्प बूथ्स भी लगाए गए हैं सभी स्टेशनों पे, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट ऐसी स्थिति में किया गया है। रिफंड्स के एडिशनल काउंटर्स हैं और रिफंड्स के मामले में थोड़ा सा लिबरल व्यू भी लिया गया है, थोड़ा ग्रेस पीरियड दिया गया है, जिसको अगर डेडलाइन के बाद भी रिफंड लेना है तो उसको हम रिफंड दे रहे हैं। तो जो भी कोशिश हो सकती है कि हम अपनी तरफ से न्यूनतम इनकन्वीनियंस पैसेंजर्स को हो उसका प्रयास कर रहे हैं।